हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। गाइस बाय द वे गुड मॉर्निंग। तो आज मैं इंडिया गेट जाने वाला हूँ, तो अनुराग अभी तो घर पे नहीं है, अनुराग अभी कॉलेज गया है। कॉलेज से जैसे आएगा, वैसे वो बोला है क्या मैं रेडी होऊंगा, उसके बाद मैं इंडिया गेट जाऊंगा। तो मैं भी मतलब रेडी होकर अच्छे से फ्रेश हो जाता हूँ। तो गाइस अभी अनुराग आ गया है, तो मैं अभी अपना ड्रेस निकालता हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगा। अनुराग मतलब 2 घंटे के बाद आया है। गाइस मैं तो नाश्ता कर लिया, अनुराग अभी नहीं किया है। ये अभी का सो, उसके बाद ये ड्रेस रहेगा, ये अंडरवियर, ये जीन्स, बस अभी का काफी है। One hour later. Guys, मैं घर से निकल गया, अभी मैं रिक्शे में बैठा हुआ, तो यहाँ से मुझे बदरपुर मेट्रो स्टेशन जाना है। बदरपुर मेट्रो स्टेशन से मैं वहाँ से मतलब फिर मैं सेंट्रल सेक्रेटरियल जाऊँगा, वहाँ से जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल इंडिया गेट जाऊँगा। अभी मतलब यहाँ से काफी मतलब 1 hour टाइम है मुझे जाने में, तो अभी मैं जा रहा हूँ। सेक्रेटरियल पहुंच गया हो, तो ये हमारे पीछे है ना, ये मेट्रो का मैप है, मतलब हर लाइन का है, ब्लू लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, और भी कोई लाइन है। हाँ, ये कौन सा कलर है? हाँ, पिंक लाइन भी दिया हुआ है गाइस। ये मतलब इधर से जो देखेंगे ना, वो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया है क्या कि फ़ोन पे देखो, फ़ोन से आराम से पहुँच जाओगे। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। तो मैं अभी सेंट्रल सेक्रेटर पार्क के अंदर आया हूँ। तो अभी इंडिया गेट जो है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जो कि वो बहुत आगे है, उधर साइड में बहुत आगे है। तो मैं अभी सेंट्रल सेक्रेटर पार्क के अंदर में हूँ, तो इधर साइड में भी पानी है, इधर साइड में भी पानी है। मैं अभी छोटा सा एक ब्रिज है यहाँ पे, मतलब ब्रिज के ऊपर में हूँ ऐसा। आगे साइड में भी एक ब्रिज है, उसके उधर साइड रोड है, रोड के उधर साइड में मतलब इंडिया गेट है। तो अभी उधर ही जा रहा हूँ। तो ये पार्क भी काफी ज्यादा बिग है, मतलब बहुत ज्यादा ही लंबा है ऐसा। तो मैं अभी आगे के लिए जा रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग को भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। मतलब मैंने सोचा है कि यहाँ से इंडिया गेट चल के ही जाऊँगा, जितना मतलब जितना भी दूर हो मैं चल के ही जाने का सोचा हूँ। ऐसे मैप पे देखा हूँ मैं, 2 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ से चल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं भी अच्छे से इंजॉय कर लूँगा, उसके बाद आप लोग को भी दिखा दूँगा कि क्या क्या है इधर पार्क के अंदर। तो पार्क के अंदर अच्छा ही है, मतलब ज़्यादा ही, अभी का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। ये सेकेंड वाला ब्रिज जो कि अभी ख़त्म हो गया है। तो 1 किलोमीटर मैंने ख़त्म कर दिया,
अभी 1 किलोमीटर और बचा है, तो 1 किलोमीटर ऐसे ही चल चल कर मैं पहुँच जाऊँगा। कोई नहीं गाइस, बहुत अच्छा ही लग रहा है, मतलब चलने में भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। ये तो बस गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है उस टाइम से कॉल पे, वो वाला सुन लो यार, नेटवर्क जाने लगा। उस टाइम से गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है। ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं? फोन मतलब नेट नहीं है उसका, तो मेरे फोन से वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। मेरा ही दिन बहुत गंदा ही चल रहा है, क्योंकि मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं। अब मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ यार, प्यारी समझ गई। नहीं है तो और भी बेस्ट है मेरे लिए। ये देखो, इंजॉय भी नहीं कर पा रहा है। मैं देखो सिंगल रह के इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, तो इससे बढ़िया है क्या गाइस, सिंगल रहो, अच्छे से जियोगे गाइस। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो आई थिंक सो यहाँ पे मतलब मैं पहुँच ही गया हूँ, क्योंकि 500 मीटर मैप पे दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है। फाइनली मैं दिल्ली का इंडिया गेट में पहुँच चुका हूँ। वो देखो गाइस, अभी तो यहाँ से इतना सा दिख रहा है, पास में जाऊँगा तो इतना बड़ा दिखेगा। गाइस तो मैं मतलब घर में तो 2 दिन से बैठा हुआ था, 13 और 14 तारीख को, उसके बाद मैं आज 15 तारीख को मैं आज इंडिया गेट पहुंचा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, कैमरा से फोटो मैंने क्लिक करवाया। तो अभी मैं मतलब दूसरे पार्क में एंट्री ले लिया हूँ। यहाँ से है ना मतलब इंडिया गेट बहुत ज्यादा नजदीक से दिख रहा है। तो हमारे पीछे ये देखो फाउंटेन है यहाँ का, मतलब ये फाउंटेन है ना दोनों साइड है, एक उधर साइड भी है एक इधर साइड भी है, तो इसके बीच में ये अपना बहुत बड़ा वाला इंडिया गेट है। तो एकदम पास में आ चुका हूँ, एकदम पास में, इतना ऊपर जा रहा है ना कैमरा तो दिख रहा है, मतलब क्या खतरनाक दिख रहा है ये। सबसे ऊपर मतलब अपना इंडियन फ्लैग में ही नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अद्भुत दिख रहा है, मतलब ये नेचुरल, मतलब जैसा लग रहा है क्या कि ये मतलब एक टॉय ऐसा कोई बना दिया ऐसे ही नॉर्मल, मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि इधर ही आसपास में घर एक ले लूँ, इधर ही हमेशा रहूँ। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे लिए बॉम्बे बहुत बेस्ट है। क्या ना अनुराग, गाइस जिसकी जैसी इच्छा, बट समझ सकते हो आप, प्लेसेस तो काफी सारे हैं घूमने के। क्या यार, क्या खतरनाक दिख रहा है ना, मजा आ गया मतलब। तो बाय बाय इंडिया गेट, जा रहा हूँ मैं अब। नहीं, कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर गेट ही है, इंडिया गेट नहीं है। हाँ कश्मीरी गेट। तो जैसे ये इंडिया गेट में लाइट जल रहे थे ना, वैसे फाउंटेन में भी लाइट जल रहे है अभी। तो अभी मतलब अब यहाँ से अब हम लोग जाते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि कल भी फिर घूमने के लिए जाना है, तो टाइम पे सोना पड़ेगा, फिर टाइम से उठना पड़ेगा गाइस।
तो अभी यहाँ से कुछ मतलब खाते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा मिला तो खाते हैं, फिर उसके बाद फिर घर पे निकलते हैं। तो क्या इस यहाँ पे क्या है, मेट्रो का ही सीन बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, मुझे मेट्रो का सीन ही बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है यहाँ का, नहीं तो ऐसे बहुत सही है यार। मेट्रो का सीन गंदा लग रहा है भाई। वही भाई, येलो लाइन ब्लू लाइन, अभी तो यहाँ से ना डायरेक्ट चले जाएंगे। सुन तू न्यू है ठीक है, इस वजह से तुझे पता नहीं है क्या तो मुझे अभी गंदा लग रहा है ना। अभी सुन तुझे गंदा लग रहा है, अगर दिल्ली में एक दिन के लिए मेट्रो बंद हो जाए तो तू ये समझ कि दिल्ली बंद हो। तो हर जगह ऐसा होता ही है, अभी अपना मुंबई में भी लोकल ट्रेन बंद हो जाए तो मुंबई भी बंद, ऐसा ही होगा। तो गाइस फिर चलते हैं इधर से, अब देखते हैं कुछ खाने के लिए मिल गया तो खा लेंगे। जो ये मैप दिख रहा है ना आप लोगों को, हम लोग यहाँ से लास्ट चल के यहाँ तक चल के आए थे ऐसा। तो गाइस ये मतलब नीचे जो बनाया हुआ है ना, ये वॉशरूम एरिया बनाया हुआ है, वो उधर साइड वॉशरूम है जेंट्स एंड लेडीज। तो ये पार्क के अंदर में ही बना हुआ है, वो भी बहुत खतरनाक बनाया हुआ है गाइस। इसके अंदर जाओ, अद्भुत, हिंदी वर्ड में अद्भुत बोलेंगे इसे। गाइस तो उधर से इतना चल के इधर साइड आ गए हैं, तो हम दोनों अभी उधर साइड से रिक्शा पकड़ेंगे, उसके बाद सेंट्रल सेक्रेट जाएंगे मेट्रो स्टेशन, उसके बाद वहाँ पे कोई आसपास में रेस्टोरेंट होगा तो देखते हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए तो खाएंगे। गाइस भूख भी बहुत ज़ोरों से लग गई है अब, क्योंकि बहुत टाइमों से इधर ही घूम रहे हैं। पैरों में दर्द हो रहा है गाइस, पैरों में दर्द हो रहा है गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा चल लिए थे हम लोग। एनएचपीसी ढूंढो, नीचे टिकट आ गया। अभी हम दोनों अभी तक कुछ खाए नहीं है, सेंट्रल सेक्रेटरी से सराय मेट्रो स्टेशन आ गए हैं, जो कि अभी एक बंदे ने कॉल किया अभी हम दोनों को कि रिलायंस इधर आ जाओ, तो उधर जा रहे हैं गाइस, फिर उधर जाके आपको दिखाते हैं। गाइस तो अभी मैं एक रिलायंस मॉल है यहाँ पे, ये अपना सराय मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो मैं इधर अभी मॉल के अंदर आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या है। अनुराग का एक फ्रेंड है, वो मुझे इधर लेकर आया था, यहाँ बाजू में एक रिलायंस मॉल है, इधर आ जाते हैं देखते हैं क्या है। ये पकड़ो, डरते क्यों हो भाई, मेरे साथ हो तुम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये रखना है ना, मुझे मिला लो अभी खा। गाइस ये रिलायंस डिजिटल मॉल है, ये स्मार्ट बाजार, मतलब स्मार्ट बाजार भी इसे बोल सकते हैं ऐसा, इसका दोनों नाम है रिलायंस स्मार्ट बाजार, दोनों साथ में है। गाइस यही मॉल है जो रिलायंस है ये, तो अभी हम लोग निकल गए हैं मॉल से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत टाइमों से कुछ खाया नहीं है गाइस, तो अभी हम अनुराग जाके कुछ खाएंगे ज़रूर। मैं अभी दिल्ली दरबार फैमिली रेस्टोरेंट में आया हूँ, तो मैंने अभी भेज बिरयानी का ऑर्डर दिया है, अनुराग से पूछा तो अनुराग भी बोल रहे हैं मैं भी भेज बिरयानी ही खाऊँगा, तो मैंने भेज बिरयानी का ही ऑर्डर दिया है, तो अभी जितना जल्दी आ सके
मुझे वैसे भी बहुत टाइमों से भूख बहुत जोरों से लगी हुई, तो मैं भी अभी खाने के लिए रेडी हूँ। Few inches later. गाइस तो यहाँ पे हमारी भेज बिरयानी आ गई है, तो अभी मैं खाने के लिए जा रहा हूँ गाइस। गाइस तो मैं ब्लॉग को अब यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो गाइस शेयर भी करो। बस गाइस बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। ये